हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी वो कहानी आपको याद होगी। उस कहानी का नाम था गुमलापुर का आदमखोर। ये कहानी लिखी थी केनेथ एंडरसन ने। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये कहानियाँ जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, उसी में से एक कहानी आप लोगों के बीच आज फिर से लेकर आया हूँ। इसका नाम है ज्वालागिरी का आदमखोर। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ज्वालागिरी क्या है। ज्वालागिरी एक काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु में स्थित है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट के लगभग बाउंड्री पर सटा हुआ प्लेस है। इस क्षेत्र में काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में हिरन, सांभर, बाघ, लेपर्ड आदि काफ़ी संख्याओं में हैं। एंडरसन ने अपना अधिकांश समय इन्हीं जंगलों में बिताया था। चलिए अब कहानी पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, होता यह है कि एक दिन ज्वालागिरी गांव के दो आदमियों ने योजना बनाई कि वो हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में जाएंगे। वो दोनों आदमी अपनी भरवा किस्म की बंदूक लेकर, भरवा किस्म की बंदूक से मतलब है ऐसी बंदूक जिसमें कारतूस भरा जाता हो, उस प्रकार की बंदूक लेकर वो दोनों एक वाटर हॉल के किनारे जानवरों के आने जाने वाले रास्ते पर मचान बनाकर बैठ गए। उनका इरादा था कि जैसे ही कोई हिरन अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आएगा, वो उस हिरन को अपना शिकार बना लेंगे। वो बड़े से बड़े हिरन को अपना शिकार बनाना चाहते थे ताकि हिरन का कुछ हिस्सा खाने के साथ साथ बेचने के भी काम में आ जाए। शाम होने पर वो वहाँ बैठ गए थे। अब धीरे धीरे जब रात हुई, तब चांदनी रात होने की वजह से जंगल की काफ़ी चीज़ें साफ दिख रही थी। एक दो घंटे तक इंतज़ार करने के बाद उन लोगों को तालाब की तरफ एक जानवर आता हुआ दिखाई दिया। देखने से ये स्पष्ट लग रहा था कि वो कोई हिरन नहीं है। तब उन लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई जंगली सूअर है। हालांकि वो लोग हिरन के मीट के साथ साथ सूअर का मीट भी काफ़ी चाव से खाते थे, इसलिए उसमें से एक आदमी ने उस जानवर पर गोली दाग दी। एक के बाद एक दो गोलियां उस जानवर पर दागी गई। गोली लगते ही वो जो जानवर था वो दहाड़ता हुआ वापस उसी रास्ते पर लौट गया जहां से वो आया था। उसकी गुर्राहट से उन दोनों आदमियों को ये पता चल गया कि जिस जानवर पर इन्होंने गोली चलाई है वो कोई सूअर तो नहीं है, बल्कि कोई बड़ा जानवर, या तो वो बाघ हो सकता है या फिर लेपर्ड। अब तो गोली चलाने के बाद दोनों की हालत डर के मारे खराब होती जा रही थी। ऐसे में कुछ देर तक वो दोनों एकदम शांत होकर उसी जगह पर बैठे रहे। धीरे धीरे जब जंगल शांत हो गया, तब उनको लगा कि अब खतरा नहीं है, तो वो वापस से दौड़ लगाते हुए अपने गांव आ पहुँचे। गांव आकर उन्होंने और लोगों को बताया कि उन्होंने किसी बाघ या तेंदुए को गोली मार दी है। चूँकि रात हो चुकी थी, इसलिए रात में उन लोगों ने उस जगह का मुआयना नहीं किया। अगली सुबह तड़के ही वो दोनों आदमी उस जानवर को खोजने के लिए निकल पड़े जिस पर उन्होंने पिछली रात गोली चलाई थी। जिस जगह पर जानवर को गोली लगी थी वहाँ पर बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था, और जिस तरफ वो जानवर लौटकर वापस चला गया था उस तरफ खून की लकीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। धीरे धीरे उन्होंने लकीरों का पीछा किया। लकीरों का पीछा करते करते वो दोनों आदमी उस जानवर तक पहुंच गए जिस पर उन्होंने गोली चलाई थी। वो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक भरा पूरा जवान बाघ मरा पड़ा है। हालांकि उन लोगों को डर भी लग रहा था, लेकिन साथ साथ ये खुशी भी हो रही थी कि उन्होंने एक बाघ का शिकार कर लिया है। अब तो गांव में उन लोगों का बहुत नाम होगा। लेकिन उनकी खुशी एक दिन से ज़्यादा टिकी नहीं। उसी दिन की रात उस गांव के आसपास एक और बाघ को बोलते हुए सुना गया। इसी तरह हर दिन लगभग एक हफ्ते तक वो बाघ उसी गांव के आसपास दहाड़ता रहा। अब गांव के लोगों में उस बाघ के वजह से दहशत का माहौल था। अब जो दो आदमी थे वो सोचते थे कि उनकी गांव में प्रशंसा होगी, लेकिन अब जो गांव वाले थे रोज उन दोनों आदमियों को उस बाघ का शिकार करने के लिए कोसते थे। अगर उन दोनों ने उस बाघ को नहीं मारा होता, तब आज उन दोनों की वजह से ये बाघ बदला लेने के लिए गांव के आसपास मंडरा नहीं रहा होता। ऐसे में
उस बाघ का शिकार करने के लिए एक शिकारी को बुलाया गया जिसका नाम था जैक। जैक जो है वो बहुत ही बहादुर शिकारी था। उसने गांव में पहुंचकर गांव के लोगों से उस जगह के बारे में पड़ताल की जहां पर पहले बाघ को गोली मारी गई थी। जैक उस जगह पर पहुंचा। उस जगह का मुआयना करने के बाद उसने गांव के चारों तरफ बड़ी ही बारीकी से चप्पे चप्पे का मुआयना किया। उसने देखा कि ज़्यादातर उस बाघ के पैरों के निशान ज्वालागिरी से लेकर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक के रास्ते पर हैं। इसलिए उसी शाम लगभग 5 बजे वो उस रास्ते के बगल में एक चट्टान के पीछे छुपकर बैठ गया। वो इतना साहसी था कि वो ज़मीन पर ही बैठ गया था, जबकि अन्य शिकारी ज़्यादातर मचानों पर ही बैठना पसंद करते थे। वो 5 बजे से उस जगह पर बैठा था। अब लगभग 7:15 हो चुका था। तभी उसे अपने से कुछ दूर कुछ पत्तियों के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। उसको लग ही रहा था कि इन पत्तियों को चीरते हुए हो ना हो बाघ निकलने ही वाला है। लेकिन बाघ निकला तो सही, लेकिन उस जगह से ना निकलकर उससे कुछ दूर बाएं तरफ होकर झाड़ी से बाहर निकला। खैर, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। जैक के पास इतना समय था कि वो आराम से निशाना लगाकर उस बाघ को मार सकता था। इसलिए उसने बहुत ही सावधानी से उस बाघ के सीने पर निशाना लगाकर गोली चला दी। गोली लगते ही जैसा कि उसे उम्मीद थी कि बाघ गिर पड़ेगा, लेकिन वो बाघ गिरा नहीं बल्कि छलांग मारता हुआ वापस झाड़ियों में गायब हो गया जहां से वो बाहर आया था। बाघ की नाराजगी भरी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। अब जैक उठा और उस जगह पर गया जहां पर उस बाघ को गोली लगी थी। वहां वो देखता है कि ज़मीन पर बहुत सारा खून गिरा पड़ा है। इतना सारा खून देखकर उसको ये संतोष हो जाता है कि बाघ पर जो गोली लगी है वो ऐसा घाव है जो जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, शायद इससे बाघ मर ही पड़ेगा। रात में बाघ का पीछा करना मौत को दावत देने जैसा होता है, वो भी घायल बाघ को। इसलिए जैक वापस अपने पड़ाव पर लौट आया। अगली सुबह वो अपने साथ 2 आदमियों को लेकर उसी जगह पर वापस लौटा। काफ़ी देर तक उन तीनों ने बाघ को खोजने की कोशिश की, लेकिन बाघ कहीं नहीं मिला। इसी तरीके से 2-3 दिनों तक बाघ को खोजा गया, लेकिन इन 3 दिनों में बाघ का कोई सुराग नहीं मिला। इसका अंदाज़ा जैक ने ये लगाया कि हो ना हो बाघ अब किसी घनी झाड़ी में जाकर मर चुका है, इसलिए अब तक वो उनको नहीं मिला है। उसने गांव वालों से वापस अपने घर जाने की बात कही और वापस अपने घर लौट गया। कुछ महीने तो शांति से गुजरे, लेकिन एक दिन सुलेकंठा नाम के गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। ये गांव जो था वो ज्वालागिरी से लगभग 7 मील उत्तर में था। यहाँ एक छोटा सा मंदिर था जो घने जंगलों के बीचों बीच में था। अक्सर समय समय पर कुछ ही लोग यहाँ पर पूजा करने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक पति पत्नी का जोड़ा और उनका लगभग 16 या 17 साल का लड़का वहाँ पर पूजा करने के लिए गए। हालांकि पूजा कर ली उन्होंने। पूजा करने के बाद वो लोग आराम करने के लिए एक इमली के बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वो दोनों पति पत्नी पेड़ की जड़ पर बैठे हुए थे और उनका लड़का जो पेड़ से गिरी हुई इमलियों को बटोर रहा था, वो इमलियाँ बटोरते बटोरते उनसे कुछ दूर चला गया। वो दोनों थके हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे पे उतना ध्यान भी नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन दोनों को अपने बेटे की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वो दोनों उस तरफ दौड़े जहाँ से आवाज़ आई थी। अब वो क्या देखते हैं कि एक बाघ ने उसके लड़के को गर्दन से पकड़ा हुआ है। लड़का काफ़ी चिल्ला रहा था। उन दोनों पति पत्नी ने चिल्लाकर और पत्थर मारकर उस बाघ को भगाने की कोशिश की ताकि वो बाघ उनके लड़के को छोड़ दे, लेकिन बाघ उनके लड़के को मुंह में दबाकर जंगल में चला गया। कुछ दूर तक तो उन दोनों ने उस बाघ का पीछा किया, लेकिन अब बाघ उनकी नज़रों से ओझल हो गया। उस दिन के बाद से बाघ ने एक के बाद एक 7 लोगों को अपना शिकार बनाया। इतने लोगों की हत्या करने के कारण अब ये बाघ कुख्यात हो गया था। तब वहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर थे
उन्होंने एंडरसन को समन भेजा ताकि वो उन लोगों को बाघ के आतंक से मुक्ति दिला सके। एंडरसन उस समय के काफ़ी चर्चित शिकारी थे। वो डिप्टी कलेक्टर एंडरसन का मित्र भी था। एंडरसन ने कुछ दिनों तक उस क्षेत्र में आकर वहाँ का मुआयना किया। इतने दिनों तक रहने के बाद उसे जो बात पता चली वो ये थी कि जो बाघ आदमियों का शिकार कर रहा था वो बाघ नहीं था, बल्कि उस बाघ का साथी था जिसे कुछ महीने पहले उन दो शिकारियों ने सूअर समझकर मार दिया था। जैक द्वारा चलाई गई गोली के कारण ये जो बाघिन थी वो घायल हो गई थी और अपने प्राकृतिक शिकार को पकड़ नहीं पा रही थी। इसलिए एक दिन उसने भूख से व्याकुल होकर सबसे पहले उस लड़के को अपना शिकार बनाया। इंसान से आसान शिकार बाघ को मिल ही नहीं सकता था, इसलिए उसने इंसानों को अपना टारगेट बनाया। एंडरसन के वहाँ पहुँचने के बाद से बाघिन ने अभी तक किसी भी आदमी को अपना शिकार नहीं बनाया था। ऐसे में एंडरसन उस बाघिन से अपना कॉन्टैक्ट स्थापित नहीं कर पा रहे थे। बाघों के पंजे के निशान उस जगह पर एंडरसन को देखने को मिले जहाँ पर पालतू गाय भैंसों को गांव वाले चराने के लिए ले जाया करते थे। इसलिए एंडरसन ने 3 जवान भैंसें खरीदी और उनको 3 अलग अलग जगहों पर शिकार के तौर पर बांध दिया। भैंसों को बांधने के दूसरे दिन एंडरसन को गुंडम नदी के किनारे उस बाघिन के ताजे फुटप्रिंट्स देखने को मिले। उसी के पास में एंडरसन ने एक भैंस को बांधा था। फुटप्रिंट्स देखकर ये लग रहा था कि बाघिन उस भैंस के पास आई थी, लेकिन उसने उस बांधी हुई भैंस को मारा नहीं था। तीसरी सुबह एंडरसन फिर से उस बाघिन को खोजने के लिए निकल पड़े, लेकिन बाघिन का कोई अता पता नहीं चला। दोपहर तक वो बाघिन की खोज करते रहे, लेकिन कोई सुराग ना मिलने के बाद वो वापस अपने कैंप में लौट आए। अभी वो नहाने के बाद दिन का भोजन करने ही जा रहे थे कि उन्हें कुछ आदमी उनके तरफ आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने एंडरसन को बताया कि वहाँ से लगभग 6 मील दूर बाघिन ने एक आदमी को अपना शिकार बनाया। लंच करने के बाद एंडरसन उन आदमियों के साथ उस जगह की पड़ताल करने के लिए निकल पड़े। वो आदमी जिसको मारा गया था वो अपने मवेशियों की आवाज़ सुनकर उनके पास ये जानने के लिए पहुंचा था कि आखिर उसके मवेशी इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हैं। मवेशी इसलिए आवाज़ कर रहे थे क्योंकि उनके आसपास बाघिन थी। लेकिन जैसे ही वो आदमी वहाँ पहुँचा, बाघिन ने उसका शिकार कर लिया था। उसके बाद से वो आदमी अपने घर नहीं लौटा था, इसलिए उसकी खोज में उसका बड़ा भाई और उसका बेटा उस जगह पर पहुँचे। वहाँ वो देखते हैं कि उस आदमी का कंबल पड़ा हुआ है। गांव के और लोगों की मदद से उस आदमी को खोजा गया, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने बाघिन के पैरों के निशान देखे वो सभी लोग तेज़ी से वापस गांव लौट गए। उनमें से कुछ लोगों को एंडरसन को बुलाने के लिए भेजा गया। बाघिन उस आदमी को लगभग 300 मीटर तक अपने मुंह में दबाकर चलती रही, फिर वहां उसने उस आदमी को छोड़ दिया था। अब वो जैसे ही अपना शिकार खाने के लिए शुरुआत करने वाली थी, तभी ना जाने क्यों उसने अपना मन बदला और उसने फिर से अपने शिकार को उठाया और आगे बढ़ चली थी। ये सभी बात एंडरसन को बाघिन के पैरों के निशान को देखकर पता चल रही थी। बाघिन ने अब अपनी पकड़ उस आदमी के गर्दन से थोड़ी ढीली कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि खून की कुछ बूंदें जमीन पर देखी जा सकती थी। उस बाघिन का पीछा करते करते एंडरसन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक नाले के किनारे पहुँचे जिसके किनारे मुलायम सूखी हुई रेत थी, जिसके ऊपर बाघिन के पैरों के निशान स्पष्ट रूप से उनको देखने को मिले। बाघिन के पैरों के साथ साथ उस आदमी के पैरों के घसीटने के निशान भी उस जमीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। नाले के किनारे बढ़ते बढ़ते एंडरसन ने 2 तीखे मोड़ों को पार किए, तब उन्हें अपने से कुछ दूरी पर कुछ संदिग्ध चीज़ दिखाई दी। वो थोड़ा चौकन्ना हो गए और धीरे धीरे इंच बाय इंच आगे बढ़ते हुए वो उस चीज़ के पास पहुँचे तो वो देखते हैं कि वो उस आदमी का शव है।
बाघिन ने उस आदमी को लगभग आधे से ज़्यादा खा लिया था। सिर्फ उस आदमी के कमर और एक पैर का हिस्सा साफ बचा हुआ था। एंडरसन ने बहुत सावधान होकर आसपास की जगहों का मुआयना किया, लेकिन बाघिन आसपास नहीं थी। एंडरसन के साथ दो आदमी और थे। एंडरसन ने उस जगह के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। आसपास ऐसा कोई भी पेड़ नहीं था जिस पर मचान बांधी जा सकती, इसलिए उन्होंने मारे गए शिकार के पीछे एक चट्टान थी जो ऊपर से कुछ समतल थी, लेकिन वो एकदम खुली जगह थी। ऐसी जगह में बाघिन कहीं से भी हमला कर सकती थी, इसलिए एंडरसन ने अपने साथ के दोनों आदमियों की मदद से कुछ झाड़ियों को काटकर उस जगह पर एक छुपने लायक जुगाड़ बनाया। इन सभी प्रक्रिया में शाम के 4 बज गए थे। शाम होने ही वाली थी, इसलिए उन्होंने दोनों आदमियों को वापस गांव भेज दिया। उन लोगों के जाने के बाद एंडरसन ने काटी गई झाड़ियों के बीच लेटकर पोजीशन ले ली। उनके पास उनकी भारी राइफल, एक पानी की बोतल और कंबल था। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलने लगी, रोमांच अब बढ़ता जा रहा था। पास के पेड़ पर दो कौवे बैठे हुए थे जिन्होंने उस मरे हुए आदमी की लाश को देख लिया था, लेकिन इंसानी शरीर को खाने में वो डर रहे थे, इसलिए वो पेड़ पर बैठे बैठे काँव काँव कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ दूरी से एक मोर बोल उठा। जंगल में मोर, काकड़ एक हिरन है, और बंदर, ये तीन जानवर ऐसे होते हैं जो एकदम सटीक वार्निंग कॉल देते हैं। मोर लगभग 200 मीटर दूर से बोला था और लगातार बोलता ही जा रहा था। इसका मतलब जो मोर है वो बाघिन को साफ देख रहा था। ये वार्निंग कॉल कुछ देर तक यूं ही चलती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो बंद हो गई। एंडरसन का अंदाज़ा था कि बाघिन वापस अपने शिकार पर लौट रही है। ऐसे में अगर वो हल्की चाल से भी अपने शिकार पर लौटी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक उसको यहाँ पहुँचने में लगेगा। रोमांच के मारे एंडरसन का पूरा शरीर कांप रहा था। हर पल उनको ऐसा लगता कि अब बाघिन उनके सामने से निकलेगी, लेकिन धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया, बाघिन कहीं नहीं दिखी। खैर, वो इंतज़ार करते रहे। अब पौन घंटा बीत गया, उनको बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, लेकिन ऐसे समय में वो पानी नहीं पी सकते थे। उनकी थोड़ी सी हरकत से पूरे किए कराए पर पानी फिर सकता था। कुछ समय और बीता कि तभी एंडरसन को अचानक से लगा कि वो किसी बड़े खतरे में है। जंगलों में इतना समय बिताने के कारण उनका सिक्स सेंस जो था वो काफ़ी डेवलप हो चुका था। दोस्तों, सिक्स सेंस सभी लोगों के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने सिक्स सेंस को इतना डेवलप कर पाते हैं जितना कि कॉर्बेट और एंडरसन ने डेवलप कर लिया था। इसी सिक्स सेंस के वजह से दोनों लोगों ने कई बार अपनी जान बचाई थी। एंडरसन ने धीरे धीरे मूवमेंट करके अपने दाहिने तरफ देखा, फिर बाएं तरफ देखा, लेकिन बाघिन न दाहिने तरफ थी न बाएं तरफ थी, और सामने की तरफ तो वो देख ही रहे थे पहले थे। अब जो जगह बची वो पीछे की तरफ। अब उनको अपने पीछे देखने के लिए थोड़ा उठकर देखना पड़ता, क्योंकि उनके ठीक पीछे कमर तक की ऊंचाई का एक बड़ा पत्थर था। एंडरसन ने लेटे लेटे धीरे धीरे पीछे घूमकर अपनी राइफल को अपने कंधे तक उठाया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए। जैसे ही वो आधे से ज़्यादा खड़ा हुए तो देखते हैं उनसे लगभग 6 या 7 फुट दूर बाघिन एकदम अटैकिंग मूड पर बैठी हुई है। वो एकदम अटैक करने ही वाली थी तब तक एंडरसन ने उस बाघिन को देख लिया था। बाघिन ने और एंडरसन ने एक दूसरे को एक साथ देखा। एक साथ देखने के कारण उन दोनों ने जो प्रतिक्रिया की वो भी एक ही साथ की। एंडरसन को सामने देखते ही बाघिन ने अटैक कर दिया। उसके साथ ही एंडरसन ने भी उस पर गोली दाग दी। दोनों लोगों ने लगभग एक साथ ही प्रतिक्रिया दी थी। बाघिन ने अटैक जो लॉन्च किया था उससे बचने के लिए एंडरसन तेज़ी से नीचे झुके।
बाघिन उनके सर के ऊपर से पीछे नाले में कूद गई। लेकिन जब बाघिन उनके सर के ऊपर से गुजर रही थी, तभी उस बाघिन के पिछले पैर एंडरसन की राइफल को छूते हुए निकले, जिसके कारण क्या हुआ कि राइफल को झटका लगा और वो एंडरसन के हाथ से छूटकर बाघिन के साथ साथ पीछे नाले की तरफ गिर पड़ी। ये सारा वाकया कुछ सेकंड्स के भीतर हुआ था, जिसमें सोचने समझने के लिए भी समय एंडरसन को बिल्कुल नहीं मिला। अब क्योंकि वो निहत्ते हो गए थे, अब एंडरसन को ये समझ में नहीं आ रहा था तो वो करें तो करें क्या। अगर वो निहत्ते बैठे रहेंगे तो बाघिन कभी भी उन पर हमला कर सकती थी और वो कुछ नहीं कर पाते, और अगर वो राइफल उठाने के लिए नीचे नाले की तरफ जाएंगे तो वो बाघिन भी उसी तरफ गई थी। हो सकता है कि वो एंडरसन पर हमला करने के लिए आसपास की झाड़ियों में ही छुपी हुई हो, लेकिन उनको डिसीजन तो लेना था। पूरी रात तो बिना राइफल के बैठा नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने जल्दी से नीचे नाले की तरफ छलांग लगाई और अपनी राइफल को पकड़ा और तेज़ी से वापस उसी जगह पर आकर बैठ गए। एंडरसन कहते हैं कि उस वाक्य को बताने में उससे भी ज़्यादा समय लग रहा है, इससे कम समय में उन्होंने राइफल को कूदकर उठा लिया था और अपनी जगह पर लौट आए थे। एंडरसन की राइफल अब उनके हाथ में थी। एंडरसन फिर से अपनी पोजीशन में आए, एकदम चौकन्ना होकर वो अपने चारों तरफ देख रहे थे। तभी उनको अपने पैरों के पास कोई काली चीज़ दिखाई दी। उन्होंने उसको उठाया तो देखा वो बाघिन के कान का एक बड़ा टुकड़ा था। गोली ने बाघिन के कान को काटकर नीचे गिरा दिया था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, बाघिन ने कोई हमला नहीं किया या कोई गुर्राहट भी नहीं की। धीरे धीरे एंडरसन अब निराश होते गए। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि बाघिन अपने शिकार पर नहीं लौटेगी। अब उस बाघिन से संपर्क साधना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। भले ही बाघिन के हमले से वो बच निकले थे, लेकिन उस बाघिन को इतने पास से मारने का मौका अब हाथ से निकल चुका था। अब ना जाने कितने लोगों को ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आज के बाद वो बाघिन और भी सतर्क हो जाएगी, ये सब सोचकर एंडरसन काफ़ी लो फील कर रहे थे। वो रात भर बाघिन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन बाघिन वापस नहीं लौटी। सुबह होने पर एंडरसन के साथ के दोनों आदमी वापस लौटे। अपने साथ वो कुछ बिस्किट्स और गर्म चाय लेकर आए थे। एंडरसन ने चाय पानी किया, उसके बाद वो नीचे उतरकर उस नाले के पास पहुँचे जहाँ पर उन्होंने उस बाघिन को जाते हुए देखा था। आसपास की ज़मीन पर खून की कुछ ही बूंदें पड़ी हुई थी, इसका मतलब ये था कि बाघिन को कोई जानलेवा घाव नहीं लगा था। एंडरसन वापस अपने आदमियों के साथ गांव लौट आए। उन्होंने गांव के आसपास तीन चार जगह पर भैंसों को जगह जगह पर बांधा। वो सुबह से लेकर शाम तक उन भैंसों को मॉनिटर करते रहे। वो ऐसी जगहों पर भी जाते जहां उनको उम्मीद होती कि बाघिन वहां दिख सकती है। 7-8 दिनों तक एंडरसन ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बाघिन का कुछ अता पता नहीं चला। इतने दिनों से जंगलों में घूमने के कारण उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अब जवाब दे रहा था। तब उन्होंने वहां के डिप्टी कलेक्टर से, जो उनका दोस्त भी था, उससे वापस अपने घर जाने के लिए अनुमति मांगी और कहा कि जैसे ही बाघिन अगला मानव शिकार करे तो उनको सूचित कर दिया जाए। ये कहकर एंडरसन वापस अपने घर बेंगलोर आ पहुँचे। अब करते करते 5 महीने बीत गए। इन 5 महीनों के बीच में लगभग 3 बार उस डिप्टी कलेक्टर ने एंडरसन को पत्र भेजा, जिस पर सिर्फ सुनी सुनाई बातों का जिक्र था। ऐसी कोई भी ठोस खबर नहीं थी जिससे ये साबित होता हो कि मारे गए जानवरों का शिकार उसी आदमखोर बाघिन ने किया। इसलिए इन पत्रों के मिलने के बाद भी एंडरसन वापस उस गांव में नहीं पहुंचे थे। लेकिन 5 महीने बीतने के बाद उनको एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया कि सुलेकंठा नाम के गांव में एक महिला को बाघिन ने अपना शिकार बना लिया है, और ठीक उसके अगले दिन एक मंदिर के पुजारी को भी अपना शिकार बना लिया है। 2 दिन में 2 हत्याएं। वो पुजारी लगभग 40 सालों से उस मंदिर की सेवा में लगा हुआ था।
वो मंदिर जंगल के बीचों बीच में था, जिस पर कभी कभार ही लोग पूजा करने जाते थे। एक सुबह जब कुछ आदमी उस मंदिर पर पूजा करने के लिए गए, तब जब वो मंदिर से कुछ ही दूरी पर थे, तब उन्हें बाघिन के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। अब वो लोग सतर्क हो गए। कैसे भी हिम्मत करके वो लोग मंदिर पर पहुँचे और पूजा अर्चना की। मंदिर में उन लोगों को वो पुजारी नहीं दिखाई दिया। ये थोड़ा एबनॉर्मल था, क्योंकि वो पुजारी 40 सालों से उसी मंदिर की सेवा में लगा हुआ था। वापस गांव पहुंचने पर उन्होंने और लोगों को इस घटना के बारे में बताया। धीरे धीरे उस पुजारी की गुमनामी की खबर डिप्टी कलेक्टर तक भी पहुंच गई। इन दोनों घटनाओं के बाद वहां के डिप्टी कलेक्टर ने एंडरसन को पत्र लिखा था। पत्र मिलते ही एंडरसन अपने दो साथियों के साथ लगभग 70 किलोमीटर दूर उस मंदिर पर आ पहुँचे जहाँ से पुजारी गायब हुआ था। उनको वहाँ पहुँचने में शाम हो गई थी, इसलिए एंडरसन ने पहली रात उस मंदिर के खुले बरामदे पर ही बिताने की सोची। हालांकि उनके साथ जो दोनों आदमी थे, उन्होंने एंडरसन की इस इच्छा पर आपत्ति जताई, लेकिन एंडरसन ने उनको आश्वस्त कर दिया कि वो पूरी रात अपनी फुली लोडेड राइफल से गार्ड की तरह पहरा देंगे। दोनों आदमी वहीं मंदिर के चबूतरे के पास आग जलाकर सो गए। एंडरसन पूरी रात पहरेदारी करते रहे। सुबह के 3:30 या 4 बजे के करीब उन्होंने उन दोनों आदमियों को उठाया और उनसे कहा कि अब वो दोनों पहरेदारी करें। खैर, उस रात कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ। सुबह जब कुछ उजाला हो गया, तब एंडरसन उठे। रोज के नित्य कामों को करने के बाद उन्होंने नाश्ता पानी किया और वो आसपास की जगह का मुआयना करने के लिए जंगल में निकल पड़े। रास्ते में लकीली उन्हें एक गडरिया मिला, जिसने एंडरसन को एक काफ़ी अहम खबर दी। उसने बताया कि सुबह के समय दो आदमी जंगल की तरफ शौच करने के लिए गए हुए थे। जैसे ही उनमें से एक आदमी शौच करने के लिए ज़मीन पर बैठने को हुआ, तभी उसके पास की झाड़ियों में से एक बड़े से बाघ का सिर निकला। उस बाघ का एक कान नहीं था। उसने उस आदमी को अपने मुंह में दबोचा और जंगलों में लेकर गायब हो गया। जो साथ में उसका दूसरा आदमी था, वो डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए वापस गांव में आ पहुंचा। गांव आकर उसने बाकी लोगों को ये सारा किस्सा सुनाया। गांव के लोगों द्वारा टोली बनाकर उस आदमी की खोजबीन की गई, लेकिन वहाँ पर खून के अलावा और कुछ नहीं मिला। अब बाघिन इतनी चालाक हो गई थी कि वो अपने मारे गए शिकार पर वापस नहीं लौटती थी। एक शिकार करने के बाद वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह और इंसानों की खोज में चली जाती थी। कुछ दिन पहले उसने उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के चौकीदार को भी मार डाला था, जिसमें पिछली बार एंडरसन आकर रुके हुए थे। दूरसंचार की कोई अच्छी प्रणाली ना होने के कारण ये सारी बातें एंडरसन को अब पता लगी थी। उन्होंने अब सूलेकंठा जाने का निश्चय किया, क्योंकि बाघिन जगह बदल बदल कर आदमियों का शिकार कर रही थी। इससे स्पष्ट था कि अब वो इस मंदिर की जगह पर शिकार नहीं करेगी। अब एंडरसन अपने साथियों के साथ सूलेकंठा पहुंच गए। सूलेकंठा में भी एक मंदिर है। उन्होंने उस मंदिर के बरामदे में रात बिताने की योजना बनाई। ये मंदिर वही मंदिर है जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में हुआ था, जहाँ से पहले लड़के को वो बाघिन उठा के लेके चली गई थी। मंदिर के बरामदे में एक काफ़ी तेज आग जलाई गई ताकि काफ़ी रोशनी हो सके। खुली जगह पर रात बिताना एंडरसन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके साथ के दोनों आदमियों को बहुत डर लग रहा था। रात होने पर बाघिन ने मंदिर के पास से ही दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ को उन तीनों ने सुना। बाघिन मंदिर के चारों तरफ ही कई बार चक्कर लगा रही थी और चक्कर लगाते समय वो आवाज़ कर रही थी। एंडरसन, जो काफ़ी चौकन्ना हो गए थे, वो बाघिन को इतने पास महसूस कर खुश हो रहे थे, क्योंकि लगभग 5 महीने बाद वो फिर से बाघिन के इतने करीब आ पहुँचे थे। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि बाघिन जो आवाज़ निकाल रही है, वैसी आवाज़ बाघ और बाघिन मेटिंग सीजन में निकालते हैं। क्योंकि रात काफ़ी अंधेरे वाली थी, ऐसे में
पागिन को देखकर निशाना लगाना नामुमकिन था, इसलिए एंडरसन ने योजना बनाई कि वो बागिन को सुबह तक अपने आसपास ही जमाए रखेंगे। इसलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई, उन्होंने बाघ की आवाज़ निकालने की सोची। उन्होंने अपने फेफड़ों में हवा भरते हुए जोर से बाघ की आवाज़ निकाली। उनकी बाघ की निकाली हुई आवाज़ का उत्तर बागिन ने भी दिया, लेकिन बागिन थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि उसको जहाँ से उस बाघ के बोलने की आवाज़ आ रही थी वहीं से उसको आदमियों के भी बोलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा कन्फ्यूजन एंडरसन ने जानबूझकर क्रिएट किया था ताकि शेरनी पास आने की हिम्मत न जुटा सके। एंडरसन ने दोनों आदमियों को जोर जोर से बात करने के लिए कहा था ताकि बाघिन रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उन पर हमला करने न आ जाए। सुबह जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ तो एंडरसन ने अंदाज़ा लगाया कि अंतिम बार बाघिन ने किस जगह से आवाज़ दी थी। वो उसी तरफ अपनी राइफल लेकर तेज़ी से चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उनको बाघिन नहीं मिली तो वो एक इमली की पेड़ पर लगभग 15 फुट चढ़कर बैठ गए। वहाँ पर एक मोटी डाल पर बैठकर उन्होंने ज़ोर से बाघ की आवाज़ निकाली, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने दूसरी बार आवाज़ लगाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब उनके मन में ये शक पैदा हुआ कि या तो बाघिन वहाँ से काफ़ी दूर चले गई है और उसको बाघ की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, या फिर हो सकता है वो मंदिर के आसपास ही कहीं छुपी हुई है। ऐसे में अब एंडरसन को ये डर लगने लगा कि उन्होंने अपने साथियों की जान जोखिम में डाल दी है। उन्होंने ये बात कंफर्म करने के लिए तीसरी बार पूरी जोर से बाघ की आवाज़ निकाली। इस बार बाघिन ने उनकी आवाज़ का उत्तर दिया। एंडरसन का डर सही था। पूरी रात मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद बाघिन इस दुविधा में पड़ गई थी कि मंदिर के अंदर ही उसका साथी बाघ है। पूरी रात उसने बाघ का इंतज़ार किया था, लेकिन अपने साथी को ना पाकर अब वो अपने भोजन इंसान को मारने के चक्कर में थी। अपने साथी के ना मिलने पर वो अपने शिकार के लिए उसी मंदिर के पास छुप गई थी। उसने शायद एंडरसन को बाहर जाते हुए भी देखा था, लेकिन एंडरसन के हाथ में राइफल देखकर उसने एंडरसन पर हमला नहीं किया था। बाघ की आवाज़ सुनकर बाघिन मंदिर से हटकर उसी तरफ चल पड़ी जहाँ से एंडरसन उसे आवाज़ लगा रहे थे। धीरे धीरे बाघिन पास आती जा रही थी। जब एंडरसन और उस बाघिन के बीच की दूरी 50 मीटर से भी कम रह गई थी तब एंडरसन ने अनुमान लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में बाघिन उनके सामने आ जाएगी। एक एक सेकंड करके उन्होंने 25 तक ही गिना था, तभी बाघिन उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। बाघिन ठीक सामने खड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसने अभी तक एंडरसन को देखा नहीं था। अब एंडरसन ने बहुत धीरे से बाघ की आवाज़ में मौनिंग की। आवाज़ सुनते ही बाघिन ने ऊपर पेड़ पर देखा। एंडरसन को देखते ही वो एकदम चौकन्ना हो गई, लेकिन तभी एंडरसन ने एक के बाद एक दो गोली उस बाघिन के शरीर में उतार दी। गोली लगते ही वो आदमखोर बाघिन वहीं गिर पड़ी। एंडरसन ने उस बाघिन को उस कटे हुए कान से पहचाना जिसको उन्होंने अपनी गोली से काट के नीचे गिरा दिया था। तभी गोली की आवाज़ सुनने के बाद उनके साथ के दोनों आदमी भी उस जगह पर आ पहुँचे जहाँ पर गोली चली थी। उनके सामने बाघिन मरी पड़ी थी। अब उन लोगों ने एक मोटी लकड़ी को काटा और उस पर बांधकर बाघिन को वापस ज्वालागिरी गांव में ले जाया गया। हालांकि सुबह में काफ़ी उजाला हो गया था, लेकिन बाघिन के डर के वजह से रास्ते में एक भी आदमी उन लोगों को नहीं मिला था। गांव पहुंचने पर जब गांव वालों ने उस मरी हुई बाघिन को देखा तब उन्हें यकीन हुआ कि जिस बाघिन ने इतने समय से उन लोगों का जीना मुहाल किया था अब वो मर चुकी थी। दोस्तों, ये थी कहानी ज्वालागिरी के आदमखोर बाघिन की। इस बाघिन को आदमखोर बनाने में जैक नामक शिकारी का पूरा हाथ था। अगर उसने अपनी गोली से इस बाघिन को घायल नहीं किया होता तब वो बाघिन अपने प्राकृतिक शिकार को प्राप्त करके अपना पेट भरती। दोस्तों, आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि
आने आते ही आप लोगों को उसका अपडेट मिल जाए। इसी तरह प्यार देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। नमस्कार। अगली नई कहानी